इंडियन रेलवे ने 1 जून से 200 पैसेंजर्स ट्रेनों को चलाने की घोषणा की। इन ट्रेनों के लिए 21 मई की सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई और सिर्फ एक घंटे के अंदर करीब 1.5 लाख टिकट बुक भी हो गए। साथ ही अब अगले 1 से 2 दिन के अंदर ही रेलवे स्टेशनों के काउंटर से भी टिकट मिल पाएगी। इसके लिए रेल विभाग की टीम सुरक्षा के सभी इंतजामों की समीक्षा कर रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर मौजूद तमाम काउंटर्स को भी जल्द ही खोलने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सारी बातें खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया। उन्होंने बताया कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए सिर्फ 2.5 घंटे में सेकेंड क्लास पैसेंजर्स ट्रेन के लिए 4 लाख से ज्यादा टिकटों की बुकिंग हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि टिकटों की बुकिंग को देखते हुए लगता है कि काफी संख्या में लोग घरों को जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब लोग काम पर भी वापस लौटना चाहते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेनों के जरिए लोग काम पर भी वापस लौटने लगे हैं। पहले जून से अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन-एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है। उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए, वहां के लोगों को इंटरनेट की सुविधा रिस्टोर हो जाए, उसके बाद वहां की बुकिंग शुरू करेंगे। साथ ही साथ अभी तो ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, अगले चरण में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं देश भर में अलग अलग जगह पे, लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स रेलवे की बुकिंग करते हैं, कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। एक सेवा के रूप में वो बुकिंग करेंगे अपने यात्रियों की। और एक 2-3 दिन बाद जो काउंटर्स हैं अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशन पे काउंटर्स भी शुरू करेंगे, उसको हम जांच रहे हैं कि कहीं स्थिति स्टेशनों पे बिगड़े ना, कोई भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, उसके लिए उसका प्रोटोकॉल बना के और किन किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं, ये अभी स्टडी हो रहा है पूरे विभाग में। तो प्रोग्रेसिवली ऐसे करके टिकट्स सबको सुविधा पूर्वक मिलने लगेगी। आपको जान के खुशी होगी कि अब तो शायद 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और 2 से 2.5 घंटे में लगभग 4 लाख से 5 लाख पैसेंजर टिकट्स बुक हो चुकी है। 4 से 5 लाख पैसेंजर्स ने अपने टिकट खरीद भी लिए हैं। कई लोग घर जाना चाहते हैं और आपको जान के आनंद होगा, कई लोग वापस काम करने अपने अपने स्थान जाना चाहते हैं। तो अब रिवर्स बुकिंग भी शुरू हो गई है। श्रमिक स्पेशल तो सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर ले जाती है, इन ट्रेनों के माध्यम से मेरा आप फेसबुक के माध्यम से देश भर में और मीडिया के मित्रों के माध्यम से देश भर में ये बात जाए कि अब ट्रेनें वापस की भी बुकिंग शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, सभी जगह से जो लोग अपने अपने काम के स्थान पे जाना चाहे वो रेगुलर ट्रेन्स में बुकिंग करके अपने काम पे फिर लौट सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी और आगे चल के कुछ ही दिनों में हम और ट्रेन शेड्यूल जल्द से जल्द अनाउंस करते रहेंगे और ट्रेन्स की सुविधा बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे सब दुकानों को भी अनुमति दे दी है शुरू करने के लिए। रेस्टोरेंट नहीं शुरू होंगे, वहां पे टेक अवे अलाउड होगा हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन बाकी सभी दुकानें शुरू करने का आदेश दे दिया गया।